पता चलती है। नहीं, पहले मैं चाहता था कि आपसे प्रत्यक्ष आप एक बार मिल फेस टू फेस वार्ता होनी चाहिए, उसके बाद आपके विचार पड़े। देखिए मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, पहले आप अपने दिल्ली प्रदेश के हिंदू जागरण के मंच पे हम पहले काम करते रहे और परावर्तन का काम जितना भी होता था हम आपके अध्यक्षता में हमने बहुत परावर्तन का काम किया है। तो फिर दिल्ली परिषद को आवश्यकता पड़ी, अधिकारी के रूप में वहाँ ले लिया। तो परावर्तन का काम हम मैं आज से नहीं, मैं जब से आया हूँ तब से ही कर रहा हूँ। और मेरा टारगेट होता है इस्लाम जगत के विद्वानों का। मैं तो ऐसी लड़की चाहता हूँ, आप तैयार करो विद्वान जो हमारी भटकी बहनों को संभाले। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि कहीं पर भी कोई आपके जानने वाले हैं उसको मेरे से मिलाइए और मेरे से वार्तालाप कीजिए। वो फराज के साथ यही हुआ था, तो उसने बोला कि अल्लाह के बारे में आपको क्या जानकारी है। मैंने कहा तुम्हारे पास मीटर कौन सा है, कैसे ना होगा तुम? तो बोले नहीं मीटर तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कि क्या। मैंने कहा कि चले जाए। तो मैंने कहा कि कैसा है तो अल्लाह के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे। मैंने कहा अल्लाह सब जगह है या नहीं है? बोले साहब अल्लाह सब जगह है, सभी धर्म में है। तो मैंने कहा अल्लाह सभी धर्म में है? बोले हैं। मैंने कहा अल्लाह जहन्नुम में भी है? तो नाउज़ बिल्ला। मैंने कहा क्यों? तो सभी धर्म के माने क्या होता है? कनकन में जब अल्लाह तुम्हारा कन जहन्नुम में नहीं होगा तो कनकन होगा कैसे भाई? सर्वव्यापक का माने ये होता ना, जल में सर में और गगन में हर जगह होना, तो अल्लाह जहन्नुम में कैसे होगा? तो नाउज़ बिल्ला कह दिया और बौखला करके कहा कि साहब आपको क्या पता, आप तो माँ के पेट में नुतफा के तौर पर चार महीना पड़े थे, अल्लाह ने चार महीने के बाद रूह डाल दिया, फिर आप दस महीना दस दिन रह कर बाहर आए। मैंने कहा अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले चार महीना के बाद। मैंने कहा वो अकल का दुश्मन इतना ही बता दे, बिना रूह का तू दिन कैसे गिना? छोड़ के बाहर गया।